आप सबको नमस्ते। मैं इस फिल्म के अंदर का कोई कैरेक्टर नहीं हूँ। इस फिल्म में बीच बीच में कहानी सुनाने के लिए बस मैं आता जाता रहूंगा। कितनी फिल्मों में श्रीनिवास सर और रंजन सर ने न जाने कितनी कहानियां सुनाई हैं। उदाहरण के लिए मिस्टर माधव, फिल्म शुरू होने से पहले रंजन सर के बोले हुए डायलॉग तो आपने जरूर सुने होंगे। वो डायलॉग सुनते जोश आ जाता है। मैं भी वैसा ही हूँ। इस फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये लोग क्या हैं, कौन है और इन सारे कैरेक्टर्स की औकात क्या है। इस ताड़ी की दुकान में बैठे हुए इस बेवड़ा की बातों को अच्छी तरह से सुन लीजिए। उधार मांगकर या फिर भीख मांगकर हर बेवड़ा यहाँ पर आकर जरूर पीता है। और हाँ, सांप की कहानी और पावड़ा की कहानी सुनाने की योग्यता सिर्फ मैं ही रखता हूँ। अरे वाह, क्या ठाठ है। पैसा खर्चा करके टीवी लेते हो और उल्टी टीवी देखते हो। टीवी कोई उल्टा देखता है क्या? पीने के बाद उल्टा सो गया होगा ना। वाह वाह, जैसे गाड़ी में डीजल भरने के बाद वो सड़क पे दौड़ती है, वैसे ही तुम शराब पी के काम करते हो। जाओ। क्या हाल बना रखा है पिल्ले भाई। पिल्ले भाई, पिल्ले पिल्ले, सुबह सुबह शुरू हो गया। पिल्ले भाई, अभी आ रहा हूँ। ये जूता भी ना, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। थोड़ा हाथ लगाओ ना इसे खड़ा करने। वक्त पे तुम्हारा साथ दिया होता तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई है क्या? सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। रात के समय टीवी उल्टा करके देखते हो। फ्रिज को पद्मनाभन स्वामी के जैसा तकिया बना के बैठे हो। इधर उधर बोतलें पड़ी हुई हैं। हटो हटो, चलो चलो हटो हटो। अरे वाह, ये तो सीधा हो गया। और ये मेरी जान निकाल दिया। रात में पैग की जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए साथ में ऑमलेट। ये अंडा पैदा करने वाले मिल जाते ना तो मैं उसकी जान ले लेता। हाँ, अभी वो पान दुकान वाला आया है। कौन पान दुकान वाला? वो कल्लू भाई पान वाला। इंसान को थोड़ी तो अकल होनी चाहिए। कल रात को मैंने आखिर ऐसा किया क्या था? बाबू सर, कल के ऑमलेट की स्पीच शुरू कर दो। टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। वेदर इट्स नोबल इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स इन द एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून। कौन है रे वो? अरे वो हमारा पावड़ा का खास करेक्टर है। अच्छा। बाय स्लीप टू सेविंग द हार्ट एक एंड द थाउजेंड नेचुरल शॉक्स। भाई क्या हुआ सर? बाबू सर मूड में आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, समझ रहे हो ना? अरे कोर्ट का स्पीच है ना, तो तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे मैनेजर बोल रहा था। नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बाहर है मच्छी बाजार, क्या चल रहा है ये? नो नो, यू टेल मी व्हाट इज आउट एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। Tell me what is to be and what is not to be. तो सुनो, क्या कर रहे हो? Tell me what is to be and what is not to be. Let me know what is correct. भाई जरा ठंडा लाना, मुझे माफ कर दो। Stop it! टीवी बंद करो। ये टीवी क्या तुम्हारे घर में है? जब चाहो अपनी मर्जी से ऑफ कर दोगे। अरे अरे रुक जाओ सर, अब कोई फायदा नहीं है, अभी तो पंगा होने वाला है। आप जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन कर दीजिए प्लीज। क्या कर रहे हो?
वकील, अरे तुम घर क्या रहे हो, रुक जाओ। अरे भाई पुलिस आ गई, चलो निकलो, चलो चलो जल्दी। बाबू सर की गलती निकाल के कोई फायदा नहीं होगा, वो आदमी यहाँ पंगा करने के लिए ही आया था, मैं जानता हूँ। सुनो वकील, शराब पीकर ऐसी हरकतें करोगे तो पुलिस तुमको छोड़ेगी नहीं। देखो जब उस वकील ने तुम्हें बताया तो उसके पीछे सच्चाई क्या, कम से कम ये तो तुम्हें जानना जरूरी है। द नीडल ऑफ एक्विजिशन लीड्स टू मिस्टर बाबू जोसेफ, हिज वल्नरेबल टीचर एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज मी। मेरी एक बात ठीक से समझ लीजिए सर, आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। मैनेजर जिंदगी कैसे जीनी सीख लो, तुम सीख लो। पढ़े लिखे लोगों को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये इंसान किसी की नहीं सुनते। हमारी बात ये कहां मानते हैं, आप तो जानते ही हो। Where is my bill, Mr. Manager? Give me my bill. सर आपका बिल। हाँ Mr. Manager, you know you are a wonderful person, wonderful person. देखो आज नहीं, आज बहुत रात हो गई है। जो बताने वाली बात है अगर वो वक्त पे नहीं बताई तो फिर क्या फायदा, बाद में तकलीफ होती है। Wake up! Wake up! एकदम सही जगह लगा। तुमने एक शरीफ आदमी को पत्थर मारने पर मजबूर कर दिया है। देखो सुन दिया, तुम किसी दूसरे को बेचैन करके आखिर सो कैसे सकते हो? तुमने सोचा कैसे कि मैं नहीं आऊंगा? मैं आया हूं और आता रहूंगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मरते दम तक आता रहूंगा। और अगर तुम मर भी गए ना तो तुम्हारी समाधि पे भी आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरते दम तक आता रहूंगा। और अगर मैं मर गया तो मैं सपनों में आऊंगा, सोच लो, लाइक दैट विच इज ऑफ मैकबेथ। देखो देखो अब जा रहा हूं मैं, चलो चलो। एंड आई विल कम बैक, आई विल कम बैक फॉर यू। देखो तुम बहुत नशे में हो, तुम उधर बैठो मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है? ए, ये मेरी गाड़ी है ना, और अभी इस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, गाड़ी और मुझे घर कैसे पहुँचना है मैं जानता हूँ, अंदर आ जाओ। ए, कार रोक, कार रोक, कार रोक, छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा, कार रोक, समझा क्या? ए, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब देख क्या करता हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं, काट दूंगा। चल निकल निकल निकल। और चेकबुक ले आओ जरा। मैं अभी आता हूँ। बावड़ा नाम सुनते ही आपको बेवड़ों की याद आने लगी होगी ना, लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ा एक बेवड़ा है हमारे इसी राज्य में। सांप जो है रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम।
मेरे प्रिय भाइयों, भारत देश में सरकार के द्वारा हमारे यहाँ गांधी जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जो अब खत्म हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। यार जॉय, ये रघुपति राघव राजा राम, ये कौन थे यार? तुम नहीं जानते क्या? नहीं। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, राजा रामन रॉय। और ये पतिता पावन सीताराम कौन थे? कौन के भाई थे? पीपी सीताराम। ऐसा। अरे आराम से लाइन में आराम से आराम से एक एक करके लीजिए, आराम से आराम से। चलिए पकड़िए। कितना है इसमें? कवर है सर, पैसा नहीं है। उसने 500 रुपए देने के लिए कहा था, इसलिए तो हम यहाँ पर आए। किसने कहा? सलीम भाई ने कहा था। तो फिर जाओ, जाकर सलीम भाई से पूछ लो। अच्छा, देखता हूँ उसे। तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो? मैंने कहा बेवकूफ बनाया? अरे बाप रे, बच गया मैं। पैसा नहीं दोगे तो जहाँ मिलोगे मार मार के पैसा छीन लूंगा। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे रे, इसमें मेरे भी है। गुड बाय। ठीक किया, चलो। ये बार हमेशा ओपन रहता है। चल जा, जा। बोला ना जा। सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। उससे बोल कि भौंकना बंद करे। अरे भाई, ये बहुत खतरनाक डॉगी है, ये मेरे पीछे पड़ जाएगा तो बिना काटे छोड़ेगा नहीं। सॉरी डॉगी, सॉरी। बचाओ, ये कहाँ से पीछे पड़ गया? जॉय भाई, हम भी चोर को पकड़ने चलते हैं। पागल हो गया क्या? वो लोग हमें ही चोर कह रहे हैं। हम लोग चोर नहीं है, सारे पीने के लिए पेड़ पे चढ़े हैं। आप भी कमाल करते हैं फादर, इस बेवड़े की जमानत लेकर क्या फायदा? इस बार उसे माफ कर दीजिए सर, अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। चलो चलो, बाहर निकलो, साहब बुला रहे हैं तुम्हें। ये अंदर रहेगा, मेरा नाम खराब। चलो जाओ। मैं अब फादर हूँ तो मुझे ये सब झेल। यीशु मसीह की कृपा से आप आ गए। साइड में खड़े हो जाओ। सांप के साथी का नाम क्या बताया था तुमने? राज, बेलकोथी राज। है? सर, इसका नाम बेलकोथी राज है। ये अंधेरा होते ही बिजली का तार निकाल कर फिर उसे जोड़कर पैसा लूटता है। इसके घर का तार काटना ही पड़ेगा। और कोई काम नहीं मिला इसे? लो यहाँ साइन कर दो। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, किसी अच्छे लड़के से शादी करती, इससे क्यों कर ली? ये विजय का फैन है, इसलिए ऐसा हुआ। कौन है ये विजय? शराब के लिए पैसे कमा रहा हूँ। ये सब हम नहीं जानते। यहाँ ब्लैक टिकट करने के लिए एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए। मेंबरशिप तो नहीं लूंगा। अच्छा, तो ये फर्स्ट क्लास का टिकट ले लो। हम लोग फर्स्ट क्लास की सुविधा देंगे। चल निकल यहाँ से। जरूर चलेंगे सर।
ठीक है सर। सुरा सर, सुरा एसपी साहब ने बुलाया है। क्या बात है सर? अरे रक्त शिविर में आदमी नहीं है, बोल रहे हैं कैसे भी करके आदमियों की व्यवस्था करो। मैं क्या कोई ब्रह्मा जी हूँ? सर आप चिंता मत कीजिए। अरे सर अभी चार आदमी अंदर है ना। हाँ ठीक है, उन चारों को गाड़ी में बैठाओ, अभी लेकर आता हूँ उन लोगों को। चलो गाड़ी में बैठो। क्या बात है सर, तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? चलो गाड़ी में। हाँ चलो 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 जल्दी बैठो। किधर जा रहे हैं सर? चलो उतरो। एसपी साहब के भाई इस क्लब के सेक्रेटरी हैं। रक्तदान की बात सुनते ही मुझे तुम लोगों की याद आ गई। अरे भाई हमें एसपी साहब की मदद तो करनी ही पड़ेगी। तो ये बात है कि रक्तदान हम करें इसकी सेवा के लिए। हाँ मैं अपने शरीर में सुई नहीं घुसवाने दूंगा। एक घुसा मारूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। चलो वहाँ। मेरे प्यारे सर मुझे बहुत डर लगता है, सुई देखते ही मेरा घुटना दर्द करता है। दो तीन डंडे पड़ेंगे ना तो तेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। चलो लिखो, सांप जो है। सांप नहीं, सांप। देखो सांप हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ परियां हैं, प्यार से सुई लगाएंगी। ये परियां नहीं है सर, राक्षसी हैं। सर इन सब परियों को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये सब के सब शमशान से आई हैं। देखो इंजेक्शन लेते समय तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। तुम जानते हो मेरे पेट में 16 सुई लगी थी और मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ था। आपको डॉगी ने काटा था? हैं? खड़ा क्या, चल इधर आ, बात सुन रहा है। पंख कहाँ है? क्या कहा? पंख। पंख? हाँ चलो। हाँ ग्रुप कौन सा है? ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक ही ग्रुप में जाते हैं। मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ। उसका भी ग्रुप बना दिया क्या? कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे, आप लेट जाइए। हाँ ये आप उल्टा क्यों लेट गए? अपना हाथ दीजिए। मैंने सोचा था कि आप बैक में सुई डालेंगे, हाथ में डालना है क्या? आप बहुत डरते हैं क्या? दूसरे अस्पतालों में जाते हैं तो सुई ऐसे घुसेड़ते हैं जैसे शरीर में सरिया घुसेड़ रहे हो, ऐसा हो गया ना? ये तो ग्रुप चेक करने के लिए है, ब्लड लेने के लिए दूसरी सुई होती है। सैंपल अगर शोरूम है तो ओरिजिनल गोडाउन होगा। अब भी हाथ से लेंगी? हाथ से ही लेंगे। हाथ तो गया। ये ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ग्रुप है, अगर 2-3 महीने में आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी वजह से कई जानें बच सकती हैं। मैं ब्लड निकालती हूँ। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? सिनीमोई। कैसा नाम है? तुझे पसंद नहीं आया? नहीं, लेकिन मुझे पसंद आ गया। अरे लड़की के नाम से क्या फर्क पड़ता है, दिखने में अच्छी होनी चाहिए। और उसकी चलने की अदा तो बिल्कुल मोरनी की तरह है। मोरनी की तरह? हाँ हाँ मोरनी की तरह। एक बात बोलूं, प्यार होने के बाद आदमी ना काले कौवे को भी कोयल समझ बैठता है।
वो वैसी नहीं है। तो फिर कैसी है? आओ, अगर उसको चलते कोई देख ले तो दीवाना हो जाए। ब्यूटीफुल। फुल नहीं, हाफ हो गया है। ए, कुछ भी बोलता है। ए जॉय भाई, प्यार क्या होता है जानते हो? आसमान से गिरे खजूर पे लटके, ये जो प्यार है ना, फुल रिस्की होता है। अरे जो भी हो, रिस्क उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या जोए भाई, आपको तो इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये क्या जिनी मोनी के पीछे पड़े हो? अरे बेवकूफ, कुछ भी बोलता है, सिनी मोई, तू उसे बहन बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। देखो, जितनी चादर है उतना ही आदमी को पैर पसारना चाहिए। अगर सिस्टर सिनी मोई बोलकर आप जाओगे मिलने तो काम हो जाएगा। है तो तू बेवकूफ, लेकिन बहुत ही अकलमंदी की बात की है। सिस्टर सिनी मोई, उसे मैं अपने बच्चे की माँ बनाऊंगा। हेलो हेलो, वो कुछ नहीं, अच्छी वो थोड़ी जो शादी करने वाली लड़की की जिंदगी जो है ना, वो बिना साउंड के फिल्म की तरह होती है। उसे सही करने के लिए उसे कलरफुल बनाना पड़ता है। hey! तुम कहाँ छुपी हो? चुपचाप मेरे सामने आ जाओ और मेरे हाथ की मार खाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये क्या है, प्यार की चिट्ठी? मैं यहाँ से जा रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी। तुम शराब पी कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और अपनी भी। वर्गीस, क्या हुआ फादर? वर्गीस, क्या हुआ? बाहर से कुछ आवाज आ रही है। अच्छा, आओ मेरे साथ, चलिए देखते कौन है। चलिए फादर। नहीं, रात को कौन होगा? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मैं हूँ पापा। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ गया है वो? नीचे आजा बेटा। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तुम खुदकुशी नहीं करोगे, नीचे आओ तुम। मैं खुदकुशी करूँगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नीचे उतरो। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ? चलिए फादर देखिए। हे ईश्वर, क्या हो गया? क्यों कर रहा है ये ऐसा? उठिए उठिए। बात यह है कि पेड़ से खुदकुशी करने में बहुत मजा आता है। तुम जिस पेड़ पर खुदकुशी करने गए थे ना, वो पेड़ सड़ा हुआ है। देखा नहीं तुमने, वो टूट गया। ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। सही कहा। अब मैं हर पेड़ पर इस तरह के बोर्ड जरूर लगा कर रखूंगा। तुम्हें खुदकुशी करने की नौबत क्यों आई? मैंने जिससे शादी की वो सिनेमोई मुझे छोड़कर चली गई। इसे दुख में खुदकुशी करने के। उठाओ इसे, चलो ले चलो। चलिए उठाओ। आ रहा हूँ। कौन है? हेलो। हेलो पिताजी, मैं हूँ सिनी। अभी तुम कहाँ हो? मैं भी आश्रम में ही हूँ। यहाँ करनोई नाम का कोई ओल्ड एज होम है, वहीं पर हूँ इस वक्त। समझ गया समझ गया। यहाँ दो नर्स की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ पिताजी। अब मैं यहीं पर रहूंगी, वहां रहूंगी तो अच्छा नहीं होगा ना? बेटी, जॉय और तुम्हारे बीच क्या समस्या है? अब ये सब और सह नहीं सकती मैं। हो सके तो आप ही उसे समझाइए। बेटी, तुम पहले वहां से यहाँ जाओ। तुम वहां रहोगी तो वो कभी नहीं सुधरने वाला। उसे सुधारने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैंने, पर वो है कि सुधरता ही नहीं। आप परेशान ना हो, इसलिए सोचा कि आपको बता दूं।
एक नंबर लिख लीजिए, कभी जरूरत पड़े तो कॉल कर दीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, बोलो। उठो उठो जल्दी। तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए किसने कहा? मुझे कोई और जगह नहीं मिली सोने के लिए। और इसे उतार। नहीं, आपके सामने नहीं। तो अंदर जाकर उतारो। आप डांट डांट कर अपना काम निकलवा लेते हैं। पहले तुम ये कपड़े उतारो। मैंने कुछ भी नहीं पहना अंदर। छी, इसका दिमाग खराब हो गया है। ओ, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आप मुझे ऐसा करें। मेरी बीवी मुझे छोड़ के अपने रास्ते चली जाए तो मैं क्या कहूंगा? जब पति गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो पत्नी भी अपना रास्ता ढूंढेगी। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? वो शादी के बाद पति के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी। मुझे नहीं लगता कि जॉय कभी भी सुधरेगा। मैं इतना दर्द तुम्हारे अलावा और किसे बताऊं? अब मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या यार, आवाज सुनकर तो इतना परेशान हो गया? अरे यार, मैंने वहां पर और किसी की आवाज ही नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर से बात कर रही हूँ। जानवर है तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ। मर्द बाहर गया तो किचन में घुस जाएगा, मर्द बाहर गया तो बिस्तर में घुस जाएगा। बिल्ली बिल्ली हो सकती है। मैं उसे काट कर फेंक दूंगा। उसे काटने से आखिर तुझे क्या मिलेगा? तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, केला खाकर चुप हो जाऊँ? अरे वो बात नहीं है, जब कोई घुसेगा तो उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो उसका अंत मेरे ही हाथों होगा। इतने दिनों बाद मुझे एक काम का ऑफर मिला है और आप है कि सुबह सुबह उठकर अपने आवारा दोस्त के साथ चलती है। अरे हो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। दरअसल बगल वाले बगीचे में एक डॉगी घुस गया है। मैं अपने दोस्त को लेकर उसे पकड़ने जा रहा हूँ। खाना भी नहीं खाएंगे? हाँ अभी नहीं, मैं कुएं से नहाकर आता हूँ। वो तुम दरवाजा बंद कर लो, ठीक है? भाग बिल्ली यहां से। देखो, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे खुशी दे सकते हो। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। तुम मेरे दिल में बस गए हो। तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मेरा वक्त आसानी से बीत जाता है। तो तुम्हें मेरे साथ रहने में खुशी नहीं मिलती क्या? इसके साथ खुशी मिलती है। अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। माँ, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, ये बात मुझे अच्छे से पता है। जॉय शराब पीते हैं, फिर भी मैं जॉय के लिए उनकी जान हूँ। बस उनका ये शराब पीना बंद करवा दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और मैं तुमसे अपने लिए इतना कुछ मांग रही हूँ तो मुझे सेल्फिश मत समझना। मैंने क्या शक कर बैठा? क्या भाई, सीढ़ी पे चढ़ के चुपके से झांक रहे हो? वो अंदर सांप है। सांप? सांप? सांप के घर में दूसरा सांप घुस गया? सांप नहीं है बेवकूफ। क्या कहा? तोता तोता तोता। ठीक है ठीक है। आप इतनी जल्दी आ गए? डॉगी नहीं पकड़ा क्या? वो खुद ही भाग गया। वो खुद ही भाग गया? वो मतलब कूद कूद कर भाग गया। आज मैं तुम में कुछ बदलाव देख रही हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिलाओ ना। आपने कहा था कि आप खाने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। ये कल का बचा हुआ है, आज आप दुकान में भी नहीं गए, क्या बात है? सच बताऊं तो मैं बाहर जाने का बहाना बनाकर तुम पर नजर रख रहा था। ऐसा क्या हुआ जो आपको मुझ पर नजर रखनी पड़ी?
मैं तुम पर शक करने लगा था। तुम यीशु मसीह से बात करती थी, मैंने उस बात पर तुम पर शक किया, ये सोचा कि यहाँ कोई आता है। और कौन आएगा यहाँ बताइए? मुझे लगा कि दूसरा आदमी। दूसरा आदमी? हाँ, जॉन है। वो कौन है? ऐसा नहीं, जॉन ने ये बात बताई थी मुझे कि ऐसा हो सकता है। मछली की ग्रेवी से नहीं, तुम्हें कोयले से जलाना चाहिए। क्या बात है, बर्तन से मुझे मारने वाली वो पुण्यवती बन गई, और जिस इंसान पर हांडी फोड़ दी वो बुरा हो गया ना, कोई मान मर्यादा है कि नहीं, जाके पूछिए उससे। मुझसे ये सब नहीं होगा, तुमने उससे शादी की है, तुम भुगतो। ओहो, पिताजी आप भले उससे डरे लेकिन मैं उससे नहीं डरने वाला। हाँ सुन लीजिए, मैं उसका पति हूँ, मर्द हूँ, और मर्द में हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत? तुम्हें हिम्मत है ना, तो जाकर तुम ही उससे पूछो। वर्गीस सर, क्या है? आपने कान बंद कर लेना, अगर वो फोन उठाएगी तो ऐसी बात बोलूंगा कि आपके कान सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, हेलो, ये करुणा आश्रम है ना, वहाँ एक नई लड़की ने ज्वाइन किया, नाम है उसका सिनेमोई, मैं उसका पति बोल रहा हूँ, बात करनी है। तो तुम ही हो जॉय नाम के बदतमीज इंसान। परिवार संभाला नहीं जाता और रोज शराब की दुकान में जाकर शराब पीकर घूमते रहते हो। मर्द हो तो जिम्मेदारियां निभाना सीखो। मूंछ रखने से कोई मर्द नहीं बन जाता, समझ गए? तुम्हारे जैसे मर्दों की वजह से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं। अगर दोबारा यहाँ कॉल करके उस लड़की को बुलाकर परेशान करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तुम्हारे जैसे मर्दों को तो बीच सड़क में पकड़ कर मारना चाहिए, ताकि तुम्हारे जैसे दूसरे मर्द भी इससे सबक ले सके। अब फोन रखो। ए जॉय, वो मिली तुम्हें? वो तो नहीं मिली, लेकिन मुझे क्विंटल भर के गालियां मिली। अब तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मद्यपान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। पहले हम शराब पीते हैं, फिर शराब हमें पी जाती है। इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है बताओ मुझे। मेरे प्रिय पिताजी, अगर हमारे अगल बगल ताड़ के पेड़ हैं, तो हम ताड़ी नहीं पियेंगे तो क्या दूध पियेंगे? देखो बेटा, ताड़ी पीने से आंतें बिल्कुल सड़ जाती हैं। ताड़ी के ऊपर कुप्पी लगाकर तुम उसे निप्पल की तरह चूसते रहते हो। मैं तो ताड़ी पीना छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो ताड़ी मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। मैं तो उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता। उस समय जो तुम्हारे हाथ है वो कांपने लग जाते हैं। एक और बात, बॉटल्स में जो रंगीन पानी भरे हुए होते हैं ना, वो क्या है जानते हो? इंसान का मूत्र। इसीलिए वो चिल्लाते रहते कि आ जाओ पियो पियो। बेटा, ताड़ी पीने से कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। नशा जो है इंसान का स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और फिर वो मर जाता है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें ताड़ी छोड़नी होगी। मैं ये ताड़ी पीना छोड़ना चाहता हूँ, कुछ रास्ता बताइए ना। तुम ये सवाल कर रहे हो? हाँ पिताजी। तो आओ, मैं तुम्हें खास जगह लेकर चलता हूँ। चलेंगे? वादा कर रहे हो? वादा है, लेकिन पिताजी जो नहीं पीता है अगर वो कुछ बोले तो जानकारी मिलती है। आप इतना समझा दें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। पिताजी आपने कभी पिए क्या? अरे भाई जरा धीरे चलाओ। आप चुप रहो ना। हेलो, तुम मुझे वहाँ मिलेगी ना? ये तो वही लड़का है ना, वो जिसने इस दिन बार में लफड़ा किया था। अरे वो बेचारा है, उसे जाने दो। जाने दो उसे, उसे ऐसे कैसे? मैं तेरा इंतजार करूँगा। अरे सुनो, अरे भागो भागो पिल्ला भाई, वो भाग गया। He vanished nothing there. but we have his brand new car here. सबक सिखाऊंगा उसे। मैं भी आया, वेट करो। अब आएगा मस्त। अरे सुनो। Hey you brand new Mercedes, here I come. नई गाड़ी की हालत मैं खराब करूं। Hey, क्या कर रहे हो? अरे सुनो, ये गाड़ी उसकी नहीं है, किसी दूसरे की है। ए, ए, क्या किया तूने? अरे मेरी गाड़ी, ए, कमीने, मुझे शोरूम से निकाल कर अभी एक घंटा भी नहीं हुआ, तू कहाँ भाग रहा है? ए, मेरी गाड़ी तोड़ के।
मैं कसम खाता हूँ तुमने एमएलए के भाई की कार को तोड़ा है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आखिर ये सब आपने क्यों किया, बोलिए। देखो ये मेरे भाई की गाड़ी है, ऐसा एमएलए सर्टिफाइड का बोर्ड लगा होता ना तो मैं उस गाड़ी को कभी नहीं छूता। सुना आपने, कैसी फालतू की बात कर रहे हैं ये। अरे गुस्सा मत कीजिए। तुम चुप रहो। सॉरी। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं केस में कुछ नहीं कर पाऊंगा, राजनीतिक पार्टियां मुझ पर दबाव डालेंगी। आपने इस मैटर को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, मैं कॉम्प्रोमाइज करवा सकता हूँ। आपके इस तरह शराब पीने से वो लोग नहीं हटने वाले। किसी को हटाना या लगाना है इसके लिए शराब नहीं पीता मैं, मुझे खुद को नहीं हटाना है इसलिए पीता हूँ। लाइफ ऑफ ए ड्रंकर इज लाइक एन एम्प्टी बॉटल, सब खत्म हुआ तो बॉटल खाली, उसमें दूध भरो तो दूध की बॉटल, जहर भरो तो जहर की बॉटल। अब वो बात नहीं क्योंकि सही इंसान को फंसाया गया कत्ल के केस में, और इसलिए जिंदगी का मोड़ भी बदल गया। सही कहा ना मैंने? शराब पीने वाला हर आदमी ऐसा ही कहता है। अब आपको सोचना होगा, अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो आज से शराब पीना बंद करना होगा। जब तक शराब नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा फैसला लेने से ये मेरा फैसला नहीं बन जाता, समझे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप लोगों की संगत की वजह से ही आज इनकी ये हालत हो गई है। मैं भी देखता हूँ ये सब कितने दिन चलेगा। हटिए। हाँ घाटी परमार बोल रहा हूँ, बता सही बात बता। अभी तो स्ट्रेच कर सकते हैं। हाँ आदमी कहीं भी होगा मुझे उठा लाएंगे, तुम उस जगह पर रहोगे ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो भाइयों, हम लोगों को विवेश्वर जाना है, वहाँ कुछ काम है। गुटप्पा भाई आप ही हो क्या? यस। हमें आपसे काम है। क्या काम है? आप बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट हैं ऐसा हमने सुना है। 50 से 100 लोगों की बिरयानी बनानी है तुम्हें। बिरयानी? आज बिरयानी बनाने का मूड नहीं, तुम लग जाओ। ये देखो क्या है, शराब है। चलो आ जाओ। हाँ मैंने उसे उठा लिया है। उस पागल को लेके आ गए हैं। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अरे कमीनो सुई मत लगा। अरे अरे भाई ये तो कुछ अलग सा नशा है। इंस्पेक्टर साहब ये क्लास कहाँ पर है? एक सेमिनार में। हाँ। वैसे इस बारे में मुझे ना मेरे एक पहचान वाले ने बताया था कि शेक्सपियर पर क्लास लेने के लिए एक आदमी की जरूरत है, तभी मुझे इनका ख्याल आया। बाबू सर को मैं वहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन इनके साथ आप मुझे वहाँ लेकर क्यों जा रहे हैं? बाहर और घर में घूमने से अच्छा है इन्हें कहीं बाहर लेके जाया जाए, इससे इनका मन भी बदल जाएगा और फिर हम लोग तो इनके साथ है ही, क्यों? ठीक है ना सर? हाँ। इंस्पेक्टर मुझे एक गिलास करना है, जरा सा अंदर जाकर करना। अरे बाप रे मेरी बैंक की भी हो जाएगी, प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज रोक दीजिए। जाओ कर कराओ। कहाँ जा रहे हो? देखो बाबू पिछले हफ्ते अखबार में इस संस्थान के बारे में बहुत कुछ छपा था, वो मैंने पढ़ा था। ये बेवड़ों को ले जाकर मारने वाला जेल है, भाग जाओ यहाँ से जल्दी। अरे बाप रे डी एडिक्शन सेंटर। नहीं छोड़ो,
अंदर लेकर जाओ ट्रीटमेंट रूम में, जल्दी 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 लेकर के जाओ। छोड़ो मुझे, ठीक नहीं कर रहे हो तुम, छोड़ो। ये बहुत गलत किया है तुमने मेरे साथ। मिनिमम 15 दिनों के बाद ही हम उस आदमी को कंपाउंड से बाहर निकालेंगे। देखिए, फुल टाइम उसे बंद करके नहीं रख सकते हम। मेडिटेशन, योगा, अनुभव के बारे में कन्वर्सेशन, डॉक्टर्स की क्लास है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ रहकर सारी चीजें सीख जाते हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। फिर हम 15 दिनों के बाद उन्हें लेने के लिए यहाँ फिर से आएंगे। देखिए, जिसे आप ले जाने वाले हैं उस आदमी को मानसिक रूप से उसे ठीक करने के लिए हमें उसे हर रोज देखना होगा। नॉर्मल होने में, बिल्कुल ठीक हो जाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। फिर हम लोग कार को यहीं छोड़ के जाते हैं। चाबी दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। नमस्कार सर। तुम कौन हो? जॉय, सांप जॉय। नहीं जा पाएंगे सर, दरवाजा बाहर से बंद है। ए, दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। ए हटो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हैं? मैं किसी को नहीं छोड़ता, सुई घुसोड़ दूंगा, समझे? चुपचाप जाकर के अपने बिस्तर पर सो जाओ। चिल्लाने से अच्छा है कि चुपचाप रहो। हमें यहाँ लाकर बंद करके छोड़ दिया है, अगर ऐसी हरकत करोगे तो दूसरे कमरे में बंद कर देंगे। एक बात समझ लो, अब यहाँ आ गए हो तो हम उसके गुलाम ही हैं। ज्यादा चोट लगी है क्या? गुड मॉर्निंग, डॉक्टर आएगा तो यहाँ पर पड़ेगी। नाम क्या है? क्यों? नाम क्या है? प्रोफेसर बाबू जोसेफ। अच्छा, मजाक है। जब मैं आया था मेरा नाम लाल बहादुर शास्त्री था। नहीं जुड़ोगे? अरे सुनो भाई, यहाँ आओ और मुझे खोल दो। जैसे को तैसा। हाँ तो अब बताओ क्या कहना। पापड़। क्या का पापड़? अभी नहीं खुलेगा। लेकिन क्यों, तुम जा क्यों रहे हो? मैंने तो सिर्फ पापड़ ही बोला था। मैंने कुछ और सोचा था। चुपचाप अंदर पड़े रहो। मूत्र पीना चाहिए, हमारे एक प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था। मुझे भी अब मूत्र ही चाहिए होगा। सर अभी कहाँ से लाऊं?
यीशु ने जैसे पानी में मछली पैदा की, तुम इस पेशाब से शराब आसानी से बना रहे हो ना? ये तो भयंकर टेक्निक है, इससे आप जानना चाहते हैं? हाँ? जब भी जरूरत पड़े तो इसे निकाल लो, एकदम हाजिर रेडी। वैसे तुम काम क्या करते हो? हाँ वैसे कोई फिक्स काम तो नहीं, वायरिंग जानता हूँ, वेल्डिंग जानता हूँ, प्लम्बिंग जानता हूँ, पेड़ से रबर निकालता हूँ, नहीं तो सिनेमा में टिकट ब्लैक करता हूँ। हमेशा एक तरह का ही काम नहीं करता मैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ही मैं नहीं सर, मेरा दोस्त है। वो कौन है? सागर अलियास जैकी। फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, माय डियर बाबू जॉय, लेंड मी योर ईयर। तुम लोग अभी सुई नहीं, अभी सुई लगाने के लिए। हमें सुई नहीं चाहिए। अरे सुनो सुनो, आज खाने में क्या है? बताऊं क्या? शराब और चिकन बिरयानी। ए भाई, और मुझे खोल दो। इंग्लिश में बोलोगे तो उसके बाद खोल दो। अरे जा यहाँ से। जा 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 और पेट भर के खाना खा। सुनो बेटा जॉय, थोड़ी और दो ना। मुझे किसी ने भी बेटा कह के नहीं बुलाया, मुझे रोना आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? वो बात ये कि सब मुझे सर सर कह के बुलाते हैं ना, तो मन में एक ही अक्षर बदल बदल कर पुकारते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि। लेकिन तुम मुझे हमेशा बाबू सर बुलाते हो ना, वो मुझे अच्छा लगता है। ये लीजिए सर। बेटा सर, हमें यहाँ से जाना होगा। कहाँ सर? घर जाना होगा। मेरा इंतजार करने वाला घर पे कोई नहीं है सर। घर बोले तो मेरा कोई घर नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलो। अरे तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा के रखा हुआ है? सर फ्रिज और कंप्यूटर तक मैं छिपा लेता हूँ, तो मैं तो ये तो छोटा सा मोबाइल है। संजीवनी डी एडिक्शन सेंटर। अरे कोई है इधर आओ, कोई है? क्या है? केबल ऑपरेटर के पास से आया हूँ, यहाँ के सेटअप बॉक्स को ठीक करना है, गेट खोलो जल्दी करो। अब तुम दौड़ोगे। अरे बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे मारेगा, मुझे जान से मार देगा, बचाओ मुझे। नीचे उतरने को कह रहा हूँ। नहीं उतरूंगा, मैं मरना चाहता हूँ, तार पकड़ के मैं आज मर जाऊंगा। जल्दी नीचे उतर। नहीं उतरूंगा, जा जो जल्दी आ जो, पावर मतलब काम शुरू। जल्दी आ जो, बचा मेरे को, जल्दी आ भाई बचा। डॉक्टर, एक आदमी खंभे पे चढ़कर तार पकड़ने वाला है, जल्दी चलिए। तार पकड़ने वाला है सर? इस समय वो लोग बाहर गए हुए हैं, अब लात मारो और ताला तोड़ो। तोड़ो ना सर। ए कौन है तुम, नीचे उतरो। इंजमामुल हक, मैं तार पकड़ के मर जाऊंगा, मुझे जीना नहीं है। इंजमामुल हक, चलो नीचे उतरो। मैं कहता हूँ चुपचाप नीचे उतरो। मैं नहीं उतरने वाला, चाहो तो मुझ पर केस कर दो। सर गाड़ी की चाबी आई है। सर आप जाइए, मैं आता हूँ बाद में। पर तुम कैसे आओगे? देखिए अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं, आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। हाँ चलिए। कहाँ है?
जल्दी से इंग्लिश में डायलॉग में सुनाना। ओ, मैंने बाहर का गेट खोल दिया है, अब निकलो यहाँ से। तुम्हें जो भी चाहिए बताओ, नीचे उतरो। क्या तो मुझे लोरी सुनाएगा, अच्छी वाली बोल। लोरी? अरे वो बोल रहा है लोरी सुनाएगा। तो जा जल्दी सीढ़ी लेकर के। सुना नहीं, जल्दी सीढ़ी लेकर के आ जा, नीचे उतर जा। अरे देर क्यों कर रहे हो, लोरी सुनाओ, जल्दी लोरी सुनाओ। अरे कहां लेकर जा रहा है, जल्दी जल्दी। वाह बहुत बढ़िया, वो गाड़ी लेकर भाग गया, तुम कुछ नहीं कर पाए। अरे नाला को जाओ, जल्दी पकड़ो उसे, जाओ। बाबू सर मैं आ गया, जल्दी आओ, जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। चलो चलो चलो, अगर तुम लोग हमारा पीछा करोगे तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा तुम लोगों का। हमें पकड़ने चले थे। सर अब हम लोगों को मूत्र पीने की आवश्यकता नहीं है। तुम वो क्यों याद कर रहे हो भैया? चार डबल ऑमलेट बना के रेडी करो, ठीक है? थोड़ा जल्दी करना, बहुत टाइम लगाते हो तुम। सुनो भाई। हाँ? ये बाबू सर का घर किधर है? कौन बाबू साहब? वो बाबू जोसेफ, कुछ साल पहले कॉलेज में पढ़ाते थे। आप बेवड़े बन गए। पावड़ा बाबू का घर? नहीं तो क्या, तेरी बहन का घर। चल तू गाड़ी चला चल। सर आपके बारे में पूछा जाए तो लोग पावड़ा बाबू की बात क्यों करते हैं? लोग पागल हैं, तुम उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, सब भूल जाओ और अब सीधा गाड़ी चला। सीधा मतलब सामने? कौन हो तुम? साहब वो तो तुझे देखते ही लग गया, ये गाड़ी तुझे कहाँ से मिली? अरे बताना ये गाड़ी कहाँ से मिली? चोर पिल्लाई। जिंदगी में सब चोर है, सब चोर है। कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा तुम अभी तक नहीं गए? चलो अभी यहाँ से निकलो। बाबू सर के कहने तक मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। ये तुम कैसे फैसला कर सकते हो? ये क्या है? हमारे गांव में इसे चिकन सालन कहते हैं, यहाँ क्या कहते पता नहीं। ये कहाँ से मिला वो पूछ रहा हूँ। रात को घर के बरामदे में मिला, उसे एक छोटा सा पत्थर मारा, इसके बाद उसके टुकड़े कर दिए और फिर साफ करके चूल्हे पे चढ़ा दिया। भगवान भगवान को क्या हुआ? अब तुम बताओ, उस जॉर्ज ने जो मुर्गा दिया था उसे मार के चूल्हे में पका रहा है। अच्छा कर रहा है, और क्या, खाने में मजा आएगा ना। अच्छा अब खुद को सुधारने के लिए तुम इसे लेके आए हो? मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकता। मैं वैसे भी आपको यहाँ से भगाना चाहता था। क्या ब्रूटस के जैसे ब्रूटल हो गए हो तुम? तुमने और सुरेश ने मिलकर मुझे वहाँ कैद कर दिया था। तुम्हारी भलाई के लिए मैंने वो सब किया था। ठीक है मैं अपने घर जाता हूँ, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो जाओ जाओ। चलो ये दिखा दो चिकन। अभी रुको रुको रुको, थोड़ा सा काम बाकी है। चक 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 चा। अरे वाह बहुत टेस्टी बना। ये तो कुछ नहीं है, मटन। मटन जैसा नॉनवेज दुनिया भर में नहीं है, उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा सर। मुझे भी मटन पसंद, वो मेरी जान है। मैं कल लेकर आता हूँ, अभी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा। अब पिल्लाई भाई के जाने से कोई तकलीफ तो नहीं? तुमने सोचा पिल्लाई गया? चलो ऑटो, मुझे अपना काम करने दो। मैं किचन का काम जानता हूँ, आप बाहर जाइए। शरीर को छू के बात मत कर, समझ गया ना? ये तो मारेगा भी। मारने वाला नौकर बाहर आया है। मारने वाला नौकर? हाँ। अरे ये क्या, बस इतनी सी शीट्स? क्या करूं सर, कितनी बार भी काटो कोई फायदा नहीं, काट काट कर इंसान थक जाता है, लेकिन फिर भी ठीक से कटता नहीं है। एक पेड़ को खरोंचो तो पूरी 8 शीट मिलती है। पेड़ खराब हो तो मैं क्या करूं? कितना भी खराब हो लेकिन इतनी कम शीट तो नहीं हो सकती। तो खरोंचने में मुझसे कोई गलती हुई? पेड़ की कसम खाकर कहता हूँ आज तक मेरी कोई गलती नहीं निकाल पाया। ऐसा कहे तो कोई भी गलती नहीं निकाल सकता है ना, और कारण बताने वाला कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। अच्छा आपको विश्वास नहीं तो मैं जाता हूँ। सर हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। जरा इधर क्या है? अरे आओ तो। हाँ?
ये तो कहीं से भी कटा हुआ नहीं लग रहा है। अरे इसे तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा ऐसे भी नहीं खरोचा, इस लाइन में एक को भी नहीं खरोचा। देखिए इससे ज्यादा मैं नहीं खरोच सकता हूँ, आप चाहे तो मुझे काम से निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है तो तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे मैं चला जाऊंगा, पीएफ चाहिए, ग्रेजुएटी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। ओ, जो ये मांगे वही इसे देना चाहिए, तभी तो मर्यादा रहती है ना। तो ठीक है मैं देता हूँ। अच्छा चाहे तो आप गोद में बिठा लो, काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे। अरे फिर भी। अरे सर आप चिंता मत कीजिए, गया तो जाने दीजिए, कल से ये सारे पेड़ मैं ही खरोच दूंगा। तुम खरोचोगे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है पिल्लई भाई कल से ये करेगा। तुमने तो आते ही बाबू को अपने पॉकेट में डाल लिया, अब लगता है मेरी बारी है। पुराने लोग रहे तो कंपनी बर्बाद हो जाती है। यस नो मैं प्यार से कुछ बात करना चाह रहा हूँ तो सामने से मना कर रही है, चुड़ैल कहीं की। जॉय कल रात को एक जगह पर जाना चाहता हूँ, मेरी दोस्त से एड्रेस तैयार कर देना। कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आ रहा हूँ। नहीं मैं अकेले जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। ओह आप कौन? सीनी मोई। हाँ मैं ही हूँ। मेरा नाम बाबू जोसेफ है, मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर था। सीनी मोई का जॉय अब मेरे साथ रहता है। देखिए आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर मैं अभी वहां आई तो जॉय फिर से पहले की तरह हो जाएगा, कुछ दिन अकेले रहेगा तो उसमें शायद कुछ सुधार आ जाए। जॉय दिल का बहुत अच्छा इंसान है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक होना भी चाहिए, उसी के लिए अच्छा है। अगर उसे मेरी जरूरत होगी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मार्केट के पास वर्ल्ड बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का आउटलेट को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का आदेश जारी हुआ है, जिसका स्थानीय लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस जगह पर हम लोग कई सालों से आ रहे हैं, ये हमारी जगह है, अभी जगह को वो बदल रहे हैं, अब हमारी जगह को वो इस तरह कैसे बदल सकते हैं? ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त एक आदमी ने गाड़ी के सामने लेट कर चक्का जाम कर दिया है। मेरे सिरे पर से चढ़ाकर ये लॉरी तुम्हें ले जानी होगी। चलो जाओ जाओ। जॉय नाम का ये आदमी गाड़ी के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं है और उसकी वजह से इस आंदोलन को एक नया रूप मिल गया है। अधिकारियों का कहना है कि वो आगे क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जॉय से बात करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज प्लीज। अबे जो भी दुकान वाला बोलता है वो कीमत देकर हम शराब लेते हैं, ये हम सब बेवड़ों के खिलाफ है। इतने लोग हैं मेरी तरह पीने वाले, उन बेवड़ों का क्या होगा? इस दुख से मुझे रोना आ रहा है। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ। अभी आपने जॉय और उनके साथियों का आंदोलन देखा, अब आइए यहाँ के अधिकारियों से हम बात करते हैं। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की मांग की वजह से आउटलेट को हमने यहाँ से बदलने का फैसला कर लिया है, अब हम उसे रद्द कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जॉय की वजह से सभी शराबी भाइयों में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। पुअर डील बेवरेजेस आउटलेट के सामने से कैमरामैन राम सेवक के साथ मैं राजेश कुमार, प्राइम न्यूज। अब तो आपने उनकी हरकतें देख ली है ना सर? मैं चलता हूं। पियेंगे पियेंगे वो पियेंगे। देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसमें थोड़ा दो ना। बड़ी शानदार किस्मत लिखा के लाए आप। पीजिए पीजिए। इसमें पानी डालना पड़ेगा क्या? उससे मजा नहीं आएगा। एक ही घूंट में पीजा। एक ही घूंट में? और नहीं तो क्या? सच में? हे भगवान। कैसा लगा? ऐसा लग रहा है कल मैं ट्रेन दौड़ रही है। आखिर तुम लोग इसे कैसे पीते हो? अब आपको समझ में आया कितनी मेहनत करके पीनी पड़ती है, ऊपर वाला ही जानता है। बाबू के पिता के जमाने से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ।
मेरे पिताजी यहाँ की देखभाल करते थे। चल जा मैं। ये जंगली भैंस है, इसी ने मेरे पिताजी को मारा था। अरे बाप, आपके पिताजी भी बहुत बड़े शिकारी थे क्या? एक बार ये तालाब में पानी पी रहा था, हाथी के डर से सीधा भाग के पिताजी को मारा। वो मर गए। ये आदमी जब भी इस घर में आता था बहुत ज्यादा नाच गाना होता था। नाच गाना? हाँ। ये तो जीसस है ना? अरे ये जीसस नहीं है, बाबू भाई के पिताजी का दोस्त है, हमेशा आता रहता था। हाँ, सिगरेट पीने की आदत भी है क्या? उसके सामने नहीं। ये आपकी स्टाइल है ना? माचिस कहाँ है? ये वो कहाँ गया? जहाँ भी गया आने का। मैं क्या उसे डरता है? ये लो तुमने दिया था। अरे माचिस का ये क्या किया? तुम्हें तो वापस किया ना? वो कितना दे रहा है? अफो कितना सामान पड़ा है, कहाँ गया कुछ पता नहीं है, बड़ा अजीब है। पहले भाई पिल्लाई भाई अंदर गया तो वहाँ एक बहुत बड़ी पेटी पड़ी हुई है। वहाँ अंदर एक बहुत बड़ी पेटी पड़ी हुई है। पेटी? हाँ। हमारे बाबू भाई की जिंदगी है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली। क्या कहा? उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली पेटी है वो। अरे जरा सुनो तो अब पिल्लाई भाई अब समझ में नहीं आता। अरे ये क्या, सुबह सुबह सीढ़ी पर बैठे हो? हाँ? कोयता लेकर क्यों बैठे हो? किसी को काटना है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ?
हाँ? मुझे बताता हूं मैं, अच्छे से सुनो, अपने कान खोल कर सुनो। पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद करके अंदर छुपा रखी है उस पेटी को। उस सिनेमा की पेटी नहीं है वो, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाली पेटी है, मेरी जिंदगी की लाश की पेटी है। उसमें एक्टिंग करने वाली हीरोइन के बारे में जानते हो? नहीं जानोगे, अब तो जानने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं नहीं भूल सकता, कारण क्या है जानते हो? तुम्हारी फिल्म में काम करने वाली हीरोइन और कोई नहीं, मेरी माँ थी, मुझे पैदा करने वाली माँ। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही समझता, लेकिन ये ऐसी कहानी है जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। लोग तो पावड़ा को बस एक अश्लील फिल्म समझते हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं। बहुत लगन से जो ये फिल्म बनी थी, इसे प्लान करते वक्त इसमें एक भी अश्लील सीन नहीं डाला गया था, बस इस फिल्म का नाम पावड़ा रखा गया था। अपनी वीरान जिंदगी से तंग आकर वो एक दिन बेखौफ रेलवे ट्रैक की तरफ जा रही थी। सामने से आ रही ट्रेन पर फिर हम फ्रीज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में दिखाएंगे कि एक हैंडसम आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और पिछली ट्रेन की जर्नी के बारे में वो कुछ सोच रहा है। उसे याद आता है कि जिंदगी एक कड़वा सत्य है। और उसके बाद फिर हम कैमरे को जूम कर देंगे, फोकस टाइट कर देंगे, आदमी का एक्सप्रेशन बदलेगा। संघर्ष ही जिंदगी है और जिंदगी ही संघर्ष है। लाइफ विद स्ट्रगल, ये है मेरी फिल्म। सिर्फ ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, स्क्रिप्ट इस बैग में पड़े पड़े सड़ रही है। आज तक एक प्रोड्यूसर मुझे नहीं मिला। देखो राव, ये फिल्म क्या है और इसे कैसे बनाना है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ भाई। लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारा गांव बहुत मशहूर है। तो सुनो राव, मैं इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार हूँ। सच में? यकीन नहीं कर रहे हो? बाबू ने जब अपनी बात उसके सामने कह दी तो उसके बाद बाबू इस फिल्म को बनाने के लिए पूरी तरह से जुट गया, और इस दौरान उसने बहुत सारी मुसीबतें भी झेली। शूटिंग की सारी डिटेल मुझे भेज देना, ठीक है? अपने फिल्म की हीरोइन के लिए तुम जाओ, मैं बुलाता हूँ। जाओ। कौन है ये दोनों? वो क्या है सर, इनको रखेंगे तो रेट भी कम है और एडजस्ट करने के लिए भी तैयार है ये लोग। क्या कहा? इसलिए अगर आप, ये एक फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर है, कोई ब्लू फिल्म नहीं है। हमें प्रोडक्शन कंट्रोलर चाहिए, कोई ब्रोकर नहीं। मैं दूसरे को देखता हूँ सर, अभी मैं जाता हूँ। वकील, हम चलें? हाँ चलते हैं। चलो, आज एक खास बात है, सब कुछ अचानक हो गया। आज मेरी शादी तय हो गई है। क्या कहा? अच्छा, करती क्या है वो? टीचर है। टीचर है? हाँ। सेम टू सेम फील्ड। आज तक तुमने ये कहानी मुझसे छुपाई कैसे, बताओ? भाई, ऐसी कोई कहानी बनी नहीं जो तुमसे छुपाई जा सके, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा शक हो रहा है कि कोई लफड़ा जरूर हो सकता है। अरे ऐसी बातें मत करो। और क्या बोलूं फिर मैं? सर कुछ फोटोज मिली हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये अच्छी है। ये तो बड़ी अच्छी लड़की है। कौन है ये? सर ये लड़की नहीं है सर, एक लड़के की माँ है, नाम है सिसली। नाटक हो या फिल्म हो, मुझे कोई एतराज नहीं। जब ये घर से काम पर जाएगी तो मैं घर पर रहूंगा और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। अरे आप तो सिर्फ पैसों की बात कीजिए। आपने इन्हें सब कुछ बता दिया था ना? बता दिया? तुमने जो भी बताया वो मैंने मान लिया, लेकिन पैसा पहले चाहिए। प्रोड्यूसर साहब है ना, वो सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। चले हम। जब कोई कला और शराब को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है तो समस्या खड़ी होती है, और वो समस्या कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है। टेक फाइव, एक्शन। कट 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 कट, कौन है अक्षय? क्या बोल रहे हैं? फ्रेम से हटाओ इसे, कौन है ये? सर सर, वो प्रोड्यूसर के फादर हैं, जोसेफ। प्रोड्यूसर के फादर है तो क्या सीन को खराब कर देंगे? दोबारा अगर ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। सर सर,
सर, मैं आपसे कर रहा हूँ, कुछ सीन क्रिएट मत कीजिए सर। तुम्हें ये शूटिंग करनी है या शूटिंग नहीं करनी? मैं डायरेक्टर हूँ, आई एम द हिटलर ऑफ माई सिनेमा। चंद्रमोहन अगर फिल्म का हिटलर था तो जोसेफ भाई घर में मुसोलिनी थे। बाप बेटे के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। मुझे सुनाएगा? जा बुलाओ उसे। देखो मैं दूसरों की बात सुनने यहाँ नहीं आया हूँ, खासकर उस नाटक वाले की। देखिए बिना बोले आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आपको कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता मेरे पैसों से तुम क्या गुल खिला रहे हो? ये देखने के लिए तुम्हें नोटिस देकर मुझे यहाँ आना पड़ेगा, बताओ। जब हम शूटिंग देखने जाते हैं तो हमें कोई तो मर्यादा रखनी चाहिए ना। पलंड जोसेफ की उम्र अब मान मर्यादा की ना है और ना कभी होगी। मेरे खून पसीने की कमाई से तुम मस्ती कर रहे हो, ये अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब चाहे फिल्म बनाओ या सांप पकड़ो, जो भी करना है करो, लेकिन अपने पैसों से। शूटिंग के बीच में कोई आ जाए तो मैं अपना आपा खो बैठता हूँ और उसे बुरा भला बोल देता हूँ। उस दिन भी मेरा मूड ऑफ हो गया और मैंने उन्हें बहुत कुछ बोल दिया। आप कहें तो मैं उनका पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जरूरत ही क्या थी, उन्हें इस उम्र में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फंड के बारे में? हाँ, फंड के लिए तो फिल्म को फाइनेंस करने के लिए वो मारवाड़ी ही दे सकता है, लेकिन उसे कुछ डिस्काउंट देना होगा सर। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम फैसला लेके आगे बढ़ चुके हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। गहने गिरवी रखकर और उधार लेकर शूटिंग फिर से शुरू हो गई। एक्शन। लेकिन इस बीच एक दूसरी घटना घटी। डायरेक्टर चंद्रमोहन उस फिल्म को आगे नहीं ले जा पाए, उन्होंने मौत को गले लगा लिया। जिंदगी से दिल भर गया मैं, यहाँ जीत जी मर गया। जिंदगी से हमारी ये फिल्म लाइन में सर, कोई मरे या जिए उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सबको पता है, फिर चाहे वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो, फिल्में बनना रुकती नहीं है सर। किसी की माँ मर जाए तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जरा सोच के देखो क्या बोल रहे हो। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज अभी तुम जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। सर आपको इस वक्त इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, अगर ये फिल्म रुक गई तो सारे पैसे डूब जाएंगे। अब इसका क्या उपाय है बताओ? एक रास्ता है, अगर हम ये फिल्म करना चाहेंगे तो हमारी फिल्म को अवार्ड तो मिल जाएगा सर, लेकिन एक दिन भी थिएटर में नहीं चलेगी हमारी फिल्म। ये ट्रेन की यात्रा इस नाम की फिल्म को देखने कोई भी आदमी नहीं आएगा सर, हमें फिल्म का टाइटल चेंज करना होगा और फिल्म में हमें थोड़ा सा मसाला डालना होगा। हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर प्रसाद है ना, वो बहुत होशियार है, वो सब कुछ संभाल लेगा सर। धीरे धीरे उसके बाद सब कुछ बदलता गया, कुछ मेरे कुछ तुम्हारी माँ के ऐसे वैसे कुछ सीन शूट किए गए और उन सीन्स को बिना मंजूरी के फिल्म में डाल दिया। और फिर उसके बाद जब फिल्म पूरी हो गई, सिसली तुम्हारी माँ उस फिल्म की हीरोइन हो गई। आपके मुंह से मैंने माँ के बारे में सुना, पिताजी के मानने से या पिताजी की ज्यादतियां बर्दाश्त न कर पाने के कारण वो भाग गई होगी, लेकिन मैं कभी भी अपने पिताजी के बारे में गलत नहीं कह सकता। विदेश में काम करने वाले आदमी को वापस यहां भेज दिया जाए तो वो यहां क्या करे? मैं बार बार माँ को याद किया करता था, वो भाग गई या फिर भगाया गया, लेकिन गई तो मेरी मां ना। अब मैं जिंदगी भर मां और पिताजी का दर्द नहीं भूल सकता। इसकी कहानी और तुम्हारी कहानी में कोई फर्क नहीं। पावड़ा पावड़ा नहीं बे, अंडरवेयर। तब से प्रोफेसर बाबू जोसेफ पवाड़ा बाबू बन गए और उनके साथ मंगनी करने वाली लड़की के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। तब से शराब पी के ये बाबू रोज उस लड़की के घर में पत्थर मारने जाते हैं। फ्रेंचाइज़ दूसरा नाम है वुमन। बिना अंकुश की हथनी हो तुम, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इनके पिता ने इकलौते बेटे की खुशी के लिए जो बगीचा खरीदा हुआ था वो कर्जदार के हाथों में चला गया। जब मूड बिगड़ता था तब शराब पीता था बाबू भाई,
लेकिन बाद में बाबू भाई पूरा बेवड़ा ही बन गया। बाबू भाई जब कॉलेज में क्लास ले रहा था तो इट इज ए सी एच आई एल एल ई एस एक्लीज। सर इस ए का मतलब एडल्ट फिल्म वाला ये है क्या? नहीं नहीं, ये तुम्हारी माँ की साइज है। आपके बारे में बहुत शिकायतें आ रही हैं। पीटीआई कमेटी ने भी शिकायत की है। अगर मैं किसी की माँ की साइज 28 बताऊंगा तो क्या इज्जत मिलना बंद हो जाएगी? सच बताऊं तो तुम्हारी माँ की साइज 28 नहीं 24 है। तुम्हारी माँ की साइज 24 है। रखो अपनी नौकरी। और फिर जो काम था वो भी हाथ से निकल गया। कुल मिलाकर अगर इस फिल्म का हिसाब देखा जाए तो इसमें तुम दोनों का ही बहुत नुकसान हुआ है। सर, अब उस बंद पेटी में मेरी मां की तस्वीर देखी तो ऐसी हरकत कर बैठा। अब मुझे माफ कर दीजिए सर। जाने अनजाने में मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। अब ऊपर वाला ही मेरा हिसाब करेगा, तुम चिंता मत करो। ये पुलिस वाले हमारे घर में क्या कर रहे हैं? पता नहीं। क्यों, गुरु को फंसाने वाले महान शिष्य? क्यों भाई, किसी सेमिनार में इंग्लिश की क्लास लेनी है क्या? सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? पावड़ा रिलोडेड, कई साल पहले बनी फिल्म पावड़ा फिर से थिएटर में रिलीज हो रही है। भारतीय सिनेमा में एक नई क्रांति लाते हुए 3D रूप में बहुत जल्द ही पेश होने वाली है ये नई फिल्म पावड़ा। और एक बात, ये फिल्म रीमेक नहीं है, इस फिल्म में नए गाने डाले गए हैं और इसके अलावा इस फिल्म को एक नई तकनीक से कलरिंग की गई है, ऐसा प्रोड्यूसर बता रहे हैं। वेलंकिनी मूवीज के बैनर तले ये फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के मुख्य निर्माता है एलेलो कुंदन। अच्छा था। अच्छा, मैं और क्या प्रोग्राम है? चलो तुम जाओ। अरे कौन, बाबू सर? सर को यहाँ आए बहुत देर हो गई क्या? ज्यादा खाने से इस तरह का खेल खेलना जरूरी होता है। थोड़ा शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शरीर का ध्यान रखने के लिए सब करना पड़ता है। हेलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है सर, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। किस बारे में? हमें अपने फिल्म के बारे में 25% शेयर सर को देना है, ये मैं दिल से चाहता हूँ सर। लेकिन देना जरूरी नहीं है सर, आप मुझसे मांगोगे ये मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे आपको सम्मान तो देना पड़ेगा ना। पूरी जिंदगी में इस बात को भूल नहीं सकता हूँ, ऐसी फिल्म बनवाई थी तुमने उस वक्त। अब मैं इस फिल्म को बेच कर इससे पैसा कमाने के खिलाफ हूँ। ये भी सर ना कंफ्यूज बहुत है। बात ये है सर, पैसा आता है ना तो सर अपने ऊपर की बदनामी हट जाती है। देखिए, मैंने तो मार्केटिंग की स्टडी भी कर ली। शंकर भाई को एक लड़की चाहिए, मेरा ट्यूशन टीचर, 5.5 फुट का आदमी अगर फिल्म बनाए तो उसे पैसा मिल जाएगा। इसलिए मैंने आधी पाप को रिलीज किया था 2002 में। नींद नहीं आने वाली, जवान लड़कियों की रंगीन रातें, गैर संबंध, जवानी, ड्राइविंग स्कूल, ये बनाई मैंने। उफ, क्या बताऊं सर, सचिन जैसे अपने बैट से रन बनाता है ना, वैसे इन फिल्मों से प्रोड्यूसर पैसा कमाता है। एक बात जानते हो, अब जो मैं अगली फिल्म बनाने जा रहा हूँ ना, उसमें एक खूबसूरत लड़की का आइटम सॉन्ग भी रख देंगे हम और मिक्स करके लिख देंगे पावड़ा। हाँ, चलता हूँ। आप भी ना सर, मैंने जैसा बताया वैसा आप कुछ सोच कर कर दीजिए। चलो गाड़ी निकालो। केस करना होगा और जिला कोर्ट के अंदर यहाँ के सबसे बढ़िया लॉयर को मैं लेकर आऊंगा।
सर आप खुद वकील हैं तो फिर ये वकील होने से कोई फायदा नहीं होता, रोज कोर्ट भी जाना पड़ता है। खाना खाने जितना आसान नहीं है किसी केस को जीतना। पुराने LLM रैंक होल्डर हो और तुम उसके खिलाफ स्टे नहीं लगा सकते, ऐसा मैं नहीं मान सकता। स्टे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर क्या समस्या है? जो अपना खुद का धंधा नहीं कर सकता वो किसी काम के लायक नहीं है, अपडेट न होने वाला आउटडेटेड हो जाता है। योर ऑनर, जैसा कि फवाडा फिल्म की सारी राइट्स कटघरे में खड़े मेरे क्लाइंट बाबू जोसेफ के नाम रजिस्टर हुई है योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि उनकी अनुमति के बिना उस फिल्म को रिलीज करने से रोकने के लिए, उस पर स्टे लगाने के लिए मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं योर ऑनर। मिस्टर बाबू जोसेफ, देखिए मैं तो सिर्फ आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, इस पेपर पर जो साइन है वो आपका साइन है क्या? बताइए। लेकिन मैंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कभी साइन नहीं किया सर। मेरे सवाल का जवाब वो नहीं है, मैंने आपसे पूछा कि ये साइन आपका है या नहीं है। हाँ मेरा ही है। थैंक यू। पावाड़ा नाम की फिल्म को रिलीज करने का अधिकार सिर्फ मेरे क्लाइंट का है और किसी का नहीं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एलड़ो कुंदन के पास हमारे विरोधी पक्ष जो कि इस कटघरे में मौजूद है बाबू जोसेफ, उनका खुद का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। बाबू जोसेफ ने खुद ही कबूल किया है कि उन्हीं की साइन है। तो जज साहब, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस केस में मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा सफाई की जरूरत है। That's all your honor. अब तो आप बताइए कि आगे करना क्या है। इन्होंने ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था, ये मुझे तो बताना चाहिए था ना। यकीन मानो मैंने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया। फिर उस पे वो साइन कहां से आया, आप ही लोग बताइए। जॉय, मैं सच में नहीं जानता क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो साइन नकली हो। अगर आप मुझे सही जानकारी नहीं देंगे तो साफ साफ सुन लीजिए, मैं ये केस नहीं लड़ सकता हूँ। मैंने कभी किसी डॉक्यूमेंट पे कोई साइन नहीं किया, मेरी बात का भरोसा करो प्लीज। हम तो भरोसा कर लेंगे लेकिन कोर्ट नहीं करेगा। सर कोई रास्ता नहीं है क्या? अभी आप जितना भी पैसा खर्चा कीजिए उसका कोई फायदा नहीं होगा, अब तो फिल्म एसोसिएशन के अंदर बाहर ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे ये एल्डो जो है ना, फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा तोप है। तो हम उस रास्ते से नहीं लड़ सकते। अगर कोई मीडिया वाला मिल जाए और इसके बारे में अच्छी तरह से हलचल मचा दे तो अपील करने का मौका मिलेगा। मीडिया वाले के हमारे गोद में बैठे। सर मीडिया वाला एक मेरा दोस्त है। इस मीडिया वाले को तुम ताड़ी सप्लाई करने वाला सप्लायर समझे हो क्या? मीडिया वालों को मैं जानता हूँ सर, उस दिन टीवी पर दिखाया था ना उस शराब की दुकान का लफड़ा, वो एक रिपोर्टर है सर। पर उससे तेरी दोस्ती कैसे हुई? हम बचपन से ही दोस्त हैं। उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है सर। तो फोन करो। तो फोन करो। फोन करो। इस कहानी में एक अच्छी फिल्म का स्कोप जरूर दिखाई दे रहा है, क्या आप मुझे सारे क्रू मेंबर्स की डिटेल्स दे सकते हैं? कुछ खास लोगों के ही मैं नाम जानता हूँ, लेकिन वो अभी कहाँ होंगे ये मुझे नहीं पता। सिर्फ खास लोगों से काम नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट के असिस्टेंट्स, यूनिट बॉयज, फिल्म के अंदर काम कर रहे सारे एसोसिएट्स, सबकी डिटेल्स हमें चाहिए होगी। एक बात कहूँ, फिल्म जब शुरू होती है तो उसी समय सबके नाम देते हैं ना। अरे हाँ, फिल्म का टाइटल स्क्रॉल देखने पर पता चलेगा। उसकी CD और प्रिंट तो घर के अंदर पड़ी हुई है, वो हम कैसे देखेंगे? हाँ, उसका एक रास्ता है। अयप्पा। हाँ हाँ, क्या हुआ साहब? शुरू करें क्या? हाँ हाँ शुरू करते हैं। ले इसे उठाओ।
रोक दो। रोक दो। बाकी भाई जो है खुद जाके उसे खींच के लाएगा, तब देखेंगे। मेरी माँ से मिलने का एक अच्छा मौका मिल गया सर। मैं जानता हूँ ये नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूँ सर। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या सवाल करने वाले हो। ये फिल्म बाहर कहीं ना दिखाई जा सके, इसके लिए मैं कोई भी हद पार कर दूंगा। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो पूरी जायदाद बेच के मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा बेटा। इतना भरोसा तुम मुझ पे कर सकते हो। तुम्हारे साथ हम लोग भी हैं। देखिए, मैं आज तक सिर्फ न्यूज के लिए स्टोरीज कवर करते आया हूँ, लेकिन आज मैं जॉयस और बाबू सर से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। इसमें की स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अब चाहे जीत हो या चाहे हार हो, मैं आपके साथ हूँ। एलनूर सर बहुत बड़े आदमी हैं, उनके खिलाफ हम कभी भी खड़े नहीं हो सकते हैं सर। आप जाइए। फिल्म लाइन में कैंटीन का काम छोड़े हुए 10-15 साल हो गए। पावाडा नाम की फिल्म के बारे में कुछ तो याद आ रहा है। ट्रेन यात्रा फिल्म का कैमरामैन मैं ही था, लेकिन चंद्रमोहन की मौत के बाद मैंने उस फिल्म में काम नहीं किया। बाकी की शूटिंग तंगराज ने की थी, वो भी गुजर गए। वो एलडो नाम का आदमी अच्छा नहीं था, जितने पैसों पर कॉस्ट्यूम बनाने की बात हुई थी उसने वो भी नहीं दिया। उस फिल्म में काम करते हुए मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी आप जानते हैं क्या? उस फिल्म में एक एसोसिएट डायरेक्टर थे मिस्टर प्रसाद, वो अभी क्या, ओ लड़की सप्लाई करने वाला, उसने ये लाइन छोड़ दी, अभी उसके जैसे लोग बहुत ही कम है। ऐसा है कि मैं क्लैप असिस्टेंट था, अभी क्या है ना कि भगवान की दया से मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी मेरे को फालतू का झमेला नहीं मांगता। आई एम सॉरी। आप लोगों की फिल्म से जो माहौल बन रहा है, सच पूछे तो उससे कोई फायदा नहीं। इसमें गर्माहट लाने के लिए किसी को पैसा देके अगर कुछ करने की कोशिश भी की जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि सब बेकार है। सिनेमा एंड सिनेमा बेस्ड प्रोग्राम्स, इन दोनों को ही बेचकर चैनल अपना पेट पाल रहा है। एलरो के जैसे बेकार के आदमी के बारे में अगर हम सोचेंगे, हमें ऐसा माहौल फेस करना ही पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई समस्या नहीं है, पावाड़ा नाम के फिल्म में अगर ऐसी कोई चीटिंग हुई भी है तो उस फिल्म की मुख्य हीरोइन प्राइम विक्टिम सिसली नाम की हीरोइन, आप उसके पास जाइए, वो अगर आके बताएगी तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन सिसली अभी जिंदा भी है या नहीं ये बात हमें पता नहीं है, तो हम ये प्रोग्राम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? धोखा खाई हुई औरत के पास हम नहीं जा सकते सर, और मैं कुछ नहीं कह सकता। नमक का पानी तो नमक ही होता है, जो आय की भावना को मैं समझ सकता हूँ, बट आई एम हेल्पलेस। तो ये कहानी भी यही खत्म हो गई। जरा सुनिए, एक बात हो सकती है, अगर फिल्म की हीरोइन सिसली के बगैर जानकारी में पवाड़ा फिल्म में कोई असली सीन है, या अगर वो जानती हो तो बताने की जरूरत नहीं है। फिल्म का कोई भी आदमी जो टीम से जुड़ा हुआ हो, जैसे डीओपी या फिर टीम का कोई और मेंबर, कोई भी चलेगा, वो इस मंच पे आके बात कर सके कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। नेक्स्ट बातचीत का मुद्दा होगा पवाड़ा पर्दे के पीछे की कहानी। वो कौन है ये हमें कैसे पता चलेगा? हर चीज का कोई ना कोई रास्ता होता है। एडल्ट फिल्म में काम करने वाली डुप्लीकेट लड़की अपना नाम नहीं बता सकती, दीवार पर पेंट करने के जैसा उससे पेंट किया जाता है, उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं? अरे भाई, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। उस फिल्म में एक स्टिल फोटोग्राफर था मनोहर नाम का, वो कहाँ मिलेगा? डिजिटल फोटोग्राफी आने के बाद मेरी किसी को जरूरत नहीं पड़ती। लफंगों की तरह पैंट शर्ट पहनकर घूमने वाले आजकल के ये फोटोग्राफर्स छोटे से कैमरे से कचाक कचाक फोटो निकालते हैं, बाकी काम कंप्यूटर पे। लेकिन मैं उनमें से नहीं जो पुरानी नेगेटिव्स फेंक दे, अंदर रखी हुई है। दस बारह फिल्म्स की नेगेटिव रखी थी, अब सिर्फ यही बची है। हाँ, मिल गई। इसी हीरोइन को आप ढूंढ रहे हैं ना? इसने अच्छी खासी जिंदगी जी है, इसका नाम सजनी है। हाय मेरी सजनी, तुम इस दुनिया के किस कोने में हो? हम चलते हैं। ठीक है, थैंक्स। हेलो, नमस्ते। हाँ ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। सर, फिल्म की एक्ट्रेस की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, उसे हम जरूर लाएंगे। वो मिलेगी तो हम शो प्लान कर सकते हैं।
भैया हम कौनो सजनी को नहीं जानते हैं, सच्ची कह रहे हैं। पर कोई एक औरत रहती है यहाँ पर, हाँ उसका पति नहीं है पर दो बच्चे जरूर है, वो पहाड़ की तरफ रहती है। ठीक है हम चलते हैं। राम राम भैया, राम राम। तुमने वो फोटो नहीं दिखाई, बहुत अच्छा किया, ये गांव के लोग हैं। हाँ जैसा उसने बताया था यही घर हो सकता है। इस घर में बहुत लोग रहते होंगे, चलकर पूछते हैं उनसे। क्या पूछेंगे उनसे, इस फिल्म में डुप्लीकेट का काम करने वाली का घर है ये। फोटो है ना हमारे पास सर, पहचान जाएंगे। ठीक है। किस खुशी में बेटा? आप नहीं जानते हैं क्या, इस एरिया में ये पहली लड़की जिसे मेडिकल की सीट मिली है। ए सेलिना माजी, पंचायत के सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। सेलिना नाम है, नाम बदल दिया होगा। सिसली मैम, ये पंचायत की तरफ से आपको सम्मान दिया जा रहा है। ये हमारी बेटी को दे दीजिए। ये सम्मान उसके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। आपने इतने सारे कष्टों को सहते हुए भी बच्चों की परवरिश की, ये उसके लिए है। ये, आप लोग अंदर आइए, चाय पी कर जाइए। जी धन्यवाद। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। मैं बताता हूँ, हम एक आदमी को ढूंढने के लिए आए थे, गलत पत्ते पे आने। क्या ये? चलो चलो। देखो ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया था, लेकिन तुमने इस आखिरी मौके को भी गंवा दिया। हा? हम तो जीत जाएंगे, लेकिन अगर बाप ना रहे तो उन दोनों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो लोग ऐसे खड़े हैं जैसे आंखों पे पट्टी बंधी है। ऐसी जिंदगी तो हम नहीं चाहेंगे। सब कुछ जान के भी त्याग कर रहे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे सामने हम लोग ना के बराबर है बेटा। शो नहीं हो पाएगा, पॉल सर को बता देना। बाबू का फोन है, क्या हुआ ये पूछने के लिए फोन किया होगा। वो तभी तो मालूम पड़ेगा, जो हुआ सर को बता दो। हेलो, तुम लोग पॉल के पास मत जाना, एर्नाकुलम स्टूडियो में पहुंच जाना, मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ, उसने हम लोगों को स्टूडियो में आने के लिए बोला है। आ जाओ। बाबू सजनी के बिना कैसे होगा? एक रास्ता बंद होता है ना तो दूसरा रास्ता खुलता है। तुम चलो मेरे साथ बेटा। हाँ मेरे साथ चलो। राजू सर, आई एम रेडी। रेडी सर, रोलिंग सर। नमस्कार, आपके पसंदीदा शो टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इंसान का अपनी जिंदगी में वासना के साथ जो संबंध होता है वो आज का नहीं आदम जमाने से बना हुआ है। वात्स्यायन से लेके फोर्ड, यूनुम, कॉलिंग, विल्सन तक सब लोगों ने इंसानों के बारे में, उसके अंदर के विकारों के बारे में हमेशा उसे दूर रहने का रास्ता बताया है। और हमारे यहाँ के लोग जो वासना को दिल में दबा के रखते हैं जिससे कुंठा उत्पन्न होती है, जो हमारे मार्ग की बाधा है और आगे बढ़ने से रोकती है। गुप्त काम को खत्म करने के हजारों रास्ते हैं इस साइबर युग में, लेकिन अब भी ऐसे पुराने ख्यालों के लोग हैं। सर्कल में ए लिखी हुई फिल्म को देखने के लिए चुपके से, चोरी से, चेहरा ढककर देखने के लिए थिएटर में जाते थे। उस समय सबको पता था पवाड़ा फिल्म के बारे में, और आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर विवाद है। पवाड़ा के पीछे का राज कोई नहीं जानता, आखिर वो फिल्म कैसे बनी, और उसी के बारे में टॉक टाइम का ये एपिसोड है। आज के अतिथि को बुलाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक, अ शॉर्ट ब्रेक। गेस्ट को बुलाओ। ओके सर। Thank you.
दिन मैं एक यात्रा पे जाने की बात कर रहा था। जब जॉय को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगी। सिसली तुम्हारी माँ है और सीनी तुम्हारी बीवी, ये बात वो दोनों में से किसी को नहीं पता है। ऐसे ही बातों बातों में सिसली ने सीनी से बात की थी और वैसे ही बात करते करते वो दोनों एक दूसरे को समझ गईं, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। जब हम फोटोग्राफर मनोहर के घर से बाहर निकल रहे थे तब सीनी ने मुझे फोन करके सारी बात बता दी थी। ठीक है, थैंक्स। हेलो, नमस्ते। टॉक टाइम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हमारे इस शो में पवाड़ा फिल्म की मुख्य हीरोइन स्पेशल अतिथि श्रीमती सिसली वर्गीस। आज हम इस शो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पवाड़ा जैसी फिल्म में इन्होंने अपनी मर्जी से काम किया था या फिर किसी ने चलाकी से इन्हें इस फिल्म में काम करवा लिया था, ये जानने की कोशिश करेंगे। सिसली जी नमस्कार। पवाड़ा जैसी अश्लील फिल्म में आपने क्यों काम किया, उसके बारे में आपको अफसोस हो रहा है क्या? जिसमें मैंने एक्ट किया था उस फिल्म का नाम था ट्रेन की यात्रा। जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं वो मेरी फिल्म नहीं थी। नाटक में काम करने वाली सिसली कैसी फिल्म की एक्ट्रेस बनी, ट्रेन यात्रा टाइटल नाम की फिल्म कैसे पवाड़ा नाम की फिल्म बन गई, अवार्ड के लिए बनाई गई फिल्म कैसे ए फिल्म में बदल गई, ये जानने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे हो गया, इन सब बातों पे प्रकाश डालेंगे। सिसली वर्गीस जी बताइए कैसे ट्रेन यात्रा नाम की फिल्म पवाड़ा में बदल गई? माया की दुनिया है, उसके पीछे होने वाली हजारों कहानियों में से ये भी एक कहानी है। सिसली वर्गीस के जैसे हजारों और भी लोग हैं। इतने सालों के बाद पवाड़ा नाम की फिल्म दोबारा रिलीज होने जा रही है, इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने अपना परिवार खो दिया। मुझे रास्ते पर चलने से भी डर लगने लगा था। कहीं भी जाती तो लोग बातें बनाते, भला बुरा कहते। लोग थिएटर जाकर मेरी फिल्म देखेंगे तो मेरे बारे में गलत सोच रखेंगे। जिंदगी जीने के लिए काम ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी मैं। इसकी वजह से मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं मरना चाहती थी लेकिन ऊपर वाले की शायद कोई और ही मर्जी थी। जिंदगी में जैसे दिन मैंने देखे हैं भगवान करे वैसे दिन कोई ना देखे। दूसरी माँओं की तरह मैं भी एक माँ बनना चाहती थी। आपको पता है मेरा भी एक जवान बेटा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे बेटे को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की इज्जत उतरते हुए कौन बेटा देख सकता है। मैं वैसी नहीं हूँ। एक माँ की आप लोगों से विनती है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। मुझे उसे मिलवा दीजिए। मैं
अभी अभी अपनी आंखों से हमने सिसली जी का दर्द देखा, लेकिन अच्छा बुरा जानने वाले हम लोग दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिखते रहते हैं, पब्लिक टॉयलेट में लड़कियों का मोबाइल नंबर, लड़कियों की गंदी फोटो बनाना, हमारे मोबाइल के मेमोरी कार्ड में अश्लील फिल्में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम खुद इन सब के लिए जिम्मेदार होंगे। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद के अंदर झांकना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं सब बातों से अवगत कराने के लिए सिसली वर्गीस जी को यहाँ टॉक टाइम के शो में बुलाया गया था। आपका दिन शुभ हो, गुड बाय। वाकई ये तो कमाल हो गया भाई, अब तो हिम्मत करके हाई कोर्ट चलना ही चाहिए। सिसली की सिर्फ एक बात से काम हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में लड़ेगा कौन? अब किसी पागल की जरूरत नहीं है, मैं अपना कोट ड्राई क्लीनिंग के लिए दे रहा हूँ। हेलो। अभी अभी टीवी में प्रोग्राम देखा, कमाल का था। उसकी बातों से हमारे फिल्म को अच्छा खासा पब्लिसिटी मिल जाएगी। प्रमोशन के लिए खर्चे के लिए जो सोचा है वो पैसा भी बच जाएगा। सुनो, हाई कोर्ट में मैंने केस लड़ने के लिए नया वकील कर लिया। उसका नाम जानते हो? एडवोकेट आनंद राम अय्यर। ए चुप कर और सुन एल्दो कुंदन, तू अब चाहे कहीं से भी कोई भी वकील क्यों ना लेकर आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात करता है आनंद राम अय्यर, रख फोन रास्कल। ए सुन वकील, मैंने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे डायलॉग तो मार दिया है, लेकिन मत भूलना कि ये केस जीतना होगा। हम लोग जरूर जरूर जीतेंगे सर, जरूर जीतेंगे। योर ऑनर, एक जमाना हुआ करता था जब फिल्मों को थिएटर्स में लगातार चलाते रहने के लिए उनमें अश्लील दृश्य जोड़कर दिखाने की एक गंदी परंपरा थी। देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों में इस तरह के दृश्यों को जोड़े जाने के केस कोर्ट में पहले भी आ चुके हैं। सिसली वर्गीस ने भी ऐसी एक फिल्म में काम किया था जिसमें बाद में अश्लील सीन जोड़े गए। प्रथम दृष्टा देखा जाए तो इससे उनकी बाद में बहुत बदनामी हुई। जिस तरह से भरी सभा में पांचाली की बेइज्जती हुई थी, अगर इस जमाने में भी स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता रहा तो हम सबको अपना सर झुकाकर चलना पड़ेगा। और इसीलिए पावड़ा नाम की जो सी ग्रेड मूवी अभी रिलीज होने वाली है, ये गैर कानूनी है और इसे जल्द से जल्द रिलीज होने से रोका जाए, ऐसा मैं आदरणीय कोर्ट से विनती करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिलॉर्ड, अभी अभी जो कोर्ट में मिस्टर सुकुमार ने भाषण दिया, ये एक बेवड़े का भाषण है ऐसा लोग समझते हैं, और मिस्टर गुणशेखर का आर्गुमेंट उसमें कुछ कहने के लायक है ही नहीं। फालतू बातों पर बहस क्यों की जाए मिलॉर्ड? इसमें सीन क्या है ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, मुझे इसकी अनुमति दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्यों भाई, डर गए क्या? मैं किसी से नहीं डरता। जस से भी नहीं? उनसे मैं जरूर डरता हूं। उसे डर नहीं कहते, सम्मान देना कहते हैं। अगर जज से डरोगे तो सच कैसे सुनोगे? योर ऑनर, ये सिर्फ शब्दों से खेल रहे हैं, सच कहने में मैं किसी से नहीं डरता हूँ। Then kindly grant me permission to speak of the truth, your honor. Permission granted. नाम क्या है? गुणशेखर। क्या कहा? गुणशेखर। हाँ, हम इसे पहले भी कहीं मिले थे क्या? हाँ। कहाँ? कुछ समय तक मैं सर का जूनियर था। और कुछ समय के बाद उन्होंने कहा मेरे साथ काम मत करो। कारण? एक केस में अपीयर नहीं हो पाया था। मिलॉर्ड, एक बड़े केस में अपीयर होने के लिए मेरे जूनियर एडवोकेट गुणशेखर निकले तो जरूर, लेकिन शराब पीकर इन्होंने किसी से मारपीट की तो इनके सीनियर एडवोकेट आनंदीराम ने कहा कि इनकी जरूरत नहीं है, और वो मैं हूँ, तुम्हें याद है ना? योर ऑनर, जिन बातों का इस केस से कोई संबंध नहीं है वो ऐसी बातें इस समय क्यों कर रहे हैं? उस दिन के मारपीट में जिन्होंने इनका साथ दिया था, अगर उनसे पूछताछ की जाएगी तो सारी बातें कोर्ट के सामने आ जाएगी, और उनका नाम है बाबू जोसेफ। परमिशन ग्रांटेड। बाबू जोसेफ, तो आप प्रोफेसर हो? मैं था। क्या कहा? था तो पास्ट टाइम है, मतलब अभी आप प्रोफेसर नहीं हो। आपने काम छोड़ दिया या आपको काम से निकाला गया? दोनों ही बात कह सकते हो। रीजन? मैनेजमेंट और मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी। ओ, क्लास में शराब पीना, विद्यार्थियों को भला बुरा कहना, कमिटी मेंबर को बुलाकर बेइज्जत करना, ऐसा होगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही, इट्स क्वाइट नेचुरल। मैंने क्लास में कभी शराब नहीं पी। तो आपने क्लास में शराब नहीं पी, लेकिन यहाँ कोर्ट में, यहाँ आप शराब पी कर आए हो ना? मिलॉर्ड,
शराब की जांच करने वाली मशीन अगर इनके मुंह में रखेंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच। मिलॉर्ड, इस केस के मुख्य गवाह श्रीमती सिसली वर्गीस से पूछताछ करने के लिए मैं कोर्ट से विनती करता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सिसली वर्गीस। सिसली मैम, कमर में ये क्या है? आधा सर्कल के जैसा आपने बांध कर रखा है। अब तो आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है और वेट भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, फिर ऐसा क्यों? अचानक सिर घूमने लगा और मैं गिर गई। हाँ। और होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। ओ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी नहीं है। हाँ, और आप बीमार लग भी नहीं रही हो, यही तो सवाल है। अच्छा ठीक है, अभी तो आपकी ये हालत है, लेकिन इससे पहले आप क्या करती थी? पहले मुझे कभी कभी चक्कर आते थे। ये थकावट, हाथ दर्द, पीठ दर्द और ग्लास में चम्मच तक आप ठीक से नहीं डाल पाती, ऐसी छोटी छोटी समस्या है ना आपकी। ओ, क्या बताएंगे कि 1.5 साल पहले आप न्यूरोसर्जन से क्यों मिली थी? हाँ बताइए। मैं किससे? आश्रम में मेडिकल कैंप लगा था। हाँ। वहाँ मैं एक डॉक्टर से मिली थी। हाँ। पर नाम नहीं पता। नाम नहीं जानती आप, नाम छुपा रही हैं। आप नाम बताना ही नहीं चाहती। मिलॉर्ड, ये डॉक्टर मधुसूदन से मिली। सिर्फ दवा खाने से ये फिट की बीमारी ठीक नहीं हो जाती। नाड़ी रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधुसूदन ने इन्हें दवाई लिख कर दी और कहा कि ये हार्मोन कम होने की बीमारी है। डिमेंशिया एक खतरनाक बीमारी है योर ऑनर। एल साइमन्स डिमेंशिया, लुई बॉडी डिमेंशिया, फ्रंट डॉक्टरल डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया, ऐसे बहुत रोगों में से ये बहुत ही खतरनाक रोग है। ये जो बात रोग के लक्षण सिसली मैम में दिखाई दे रहे हैं, ये डिमेंशिया के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। अभी अभी जो कोर्ट के सामने इन्होंने बताया वैसा नहीं है। डिमेंशिया की किसी भी अवस्था में रहने वाले व्यक्ति की बातें कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वैलिड होनी चाहिए। मैं माननीय कोर्ट के सामने ये बताना चाहता हूँ योर ऑनर, और इत्तेफाक से मिसेस सिसली वर्गीस इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। ये बकरे को हलाल करने जैसी बातें हैं। यहाँ पर कोई बकरा नहीं है। पहले तो पैसे लेकर मजे किए और आज बीमारी का बहाना बनाकर रहम पाने की कोशिश कर रहे हो। अरे हार्मोन कम होना उनकी बनाई हुई कहानी है कोर्ट को गुमराह करने के लिए। अरे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर जो बैठे हुए सब बेवकूफ है? उस दिन आप जिस डॉक्टर से मिलने गई उसका नाम नहीं जानती है, लेकिन उस हॉस्पिटल का नाम जानती है? नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति आसानी से पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत सारे खेल खेलता है, बहुत गंदी गंदी चाल चलता है। पहले ये बहुत परेशान रहती थी, इन्हें मान सम्मान नहीं मिलता था, और अब ये मान सम्मान की बातें कर रही हैं। मैं इनके चरित्र के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट के विरुद्ध ये एक भी गवाह पेश नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैंने इनसे पूछताछ की, और अब फालतू में स्टे मांग कर मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय जज साहब से अनुरोध करता हूं कि वो मेरे क्लाइंट एलोडो कुंदन की फिल्म पावड़ा को रिलीज करने की अनुमति दें। दैट्स ऑल योर ऑनर। लगता है हम लोग जीतने वाले हैं। अब इस केस की सुनवाई अगले महीने की आने वाली 14 तारीख को की जाएगी। सर आपने तो कमाल कर दिया, आपका आर्गुमेंट तो बहुत ही गरम था। तुम तो अब बिना गुण वाले गुण शेखर बन गए, अब क्या करोगे? हेलो केस तो गाते गाते जीत जाऊंगा।
सुनो, हमारे फिल्म का पोस्टर जबरदस्त होना चाहिए, पोस्टर देखकर लोगों की भीड़ हो जानी चाहिए। हाँ, और उसका साउंड इफेक्ट भी बहुत ही शानदार होना चाहिए, और ऐसा ही साउंड होना चाहिए, और बैकग्राउंड साउंड भी मस्त होना चाहिए, तभी तो लोगों की भीड़ लगेगी और हम पैसा कमा सकेंगे। मेरी माँ की फिल्म रिलीज होगी सर, इससे देखने से पहले तो मुझे मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं है मुझे। तुम्हें नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, ये सब मेरे शराब पीने की वजह से हुआ है। सच बताएं तो भी कोर्ट में मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला है, बोलेंगे शराबी कभी सच नहीं बोल सकता, उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए, उसकी कोई इंटीग्रिटी नहीं होती, उसकी कोई डिग्निटी नहीं। शांत हो जाओ। क्या करूं मैं, कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। उस जज का जजमेंट क्या होगा सर, वो तो बस लिख देंगे, लेकिन हमारा क्या है? हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, कहां जाएंगे हम? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है सर, क्या करेंगे हम? सिर्फ हमारे आंखों के आंसू ही नहीं, जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही सब ठीक होगा। अरे आराम से संभाल के जा, जाके अपना मुंह धो लो, जा। जॉय भाई, केस के बारे में हमें पता तो चला, खैर छोड़ो, बाबू साहब ने अगर दस्तखत नहीं किए होते तो ये सब होता भी नहीं, कैसे भी उनका शराब पीना बंद करवा दीजिए। फैसले से पहले अदालत चाहती है कि विपक्ष के वकील अपनी बात रखें। योर ऑनर, इस केस से संबंधित एक बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है, प्रोफेसर बाबू जोसेफ और कुंदन के बीच में साइन की गई एग्रीमेंट जो झूठी है, इसके बारे में जानने के लिए मिस्टर बाबू जोसेफ को मैं यहां पर बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है बाबू जोसेफ। मिलॉर्ड, घर को बार बनाने वाले और बार को घर बनाने वाले एक अल्कोहलिक की बातें सुनने में मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। ब्रूटस, सीजर ने ब्रूटस पर भरोसा किया था और उसकी वजह थी एम्बिशन, वो एम्बिशियस था। इज्जतदार अय्यर सर ये यकीन करते हैं कि अल्कोहलिक गलत होते हैं और ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि आई एम ए फुल ब्लोन अल्कोहलिक माय लॉर्ड। इस केस के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए मैं कोर्ट से ये विनती करूंगा कि कुछ और गवाहों से भी पूछताछ जरूर की जाए। होश में नहीं रहने वाले 24 घंटा पीने वाले एक शराबी की बातें सुनकर कोर्ट अपना वक्त बर्बाद ना करे। योर ऑनर, अगर पावड़ा फिल्म रिलीज होती है तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, उसकी वजह से एक शख्स के बारे में कुछ और सोचा जाएगा, यही मेरा प्राइम कंसर्न है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सिसली वर्गीस की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा सकती है और उन्हें जज्बाती तौर पर बहुत बुरा झटका भी लग सकता है जो अमानवीय होगा। माय लॉर्ड, सिसली वर्गीस एक माँ भी है, माँ की बेइज्जती हुई तो गली मोहल्ले शहर के लोग उस पर बुरी तरह से हंसेंगे। माय लॉर्ड, उस आदमी की बातें अगर कोर्ट एक बार सुन ले तो शायद कोर्ट को और एक नजरिया देखने को मिल सकता है, ये मेरी विनती है। जॉय वर्गीस, मिलॉर्ड, बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूं,
कभी भी होश में नहीं रहने वाले की बातें सुनने के लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं है, ये मैं कोर्ट को बताना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा सर। बाबू सर होश में कहाँ है, वो तो होश में नहीं रहते। होश में नहीं रहने वाले को सम्मान नहीं मिलता। अगर इन शराबियों की बातें सुने तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, ये तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। बेइज्जती के बारे में सोचना छोड़ दीजिए सर, उन्होंने पीना छोड़ दिया है। इन्होंने शराब पीनी बंद कर दी या जहर पी रहे हैं, ये तर्क का विषय नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ। पावाड़ा बाबू पुण्यात्मा बने और जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी समाधि बन जाए, इन्हीं बातों पर यहाँ चर्चा होने वाली है ना। लेकिन शराब पीने वाले व्यक्ति को फ्लैशबैक में बेवकूफ बनाया है, सिर्फ ये मैटर नहीं है सर। बाबू सर से धोखे में साइन करवाए गए हैं। अग्रीमेंट की वजह से एल्डो सर पावाड़ा फिल्म के रिलीज करने का स्टे इन्होंने हटवा लिया। मेरी माँ को गलत रूप से पेश करने का मूल्य चुकाएंगे ऐसा सर ने कहा था। अगर वैसा है तो होश में रहने वाले आदमी ने होश में न रहने वाले से धोखे से साइन करवाया, इसकी कीमत कैसे चुकाएंगे। बड़े बड़े होटल में रहे वेटर भी बहुत ही चालाक होते हैं सर, ये तो आपको पता है। साइन करते वक्त ये होश में नहीं थे, एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ये सब बताने से कोई फायदा नहीं। सबूत चाहिए सबूत। पैसा खिलाकर बार मैनेजर तक को झूठा गवाह बनाकर हम पेश नहीं कर सकते, आपसे चालाक और कौन हो सकता है सर। अगर हमारी बात नहीं माने सर तो भी बाबू सर से धोखे में जो साइन लिए गए थे वो इन वकील सर के हाथ में है। जरा दिखाना तो। सॉरी आपको नहीं दे सकता, आप तो बहुत बड़े वकील है ना, आप तो किसी भी तरह से अपना केस जीत सकते हैं, लेकिन इसे मैं रिस्पेक्टेड कोर्ट को ही दूंगा। मिलॉर्ड दिस इज अ फैब्रिकेटेड स्टोरी, सामान गिरवी रखने वाला ये कोई थर्ड क्लास दुकान नहीं है। हाँ, आप जोश में बात करेंगे तो वो सच तो नहीं हो जाएगी ना। मुझे समझ में आ गया है सर कि मामला क्या है। सर मैं चाहता हूँ कि बार के वेटर को बुलाया जाए। प्रोसीड। बाबू सर के साइन करके देने में प्रॉब्लम हो गई। तेरी भलाई इसी में कि तू सब कुछ सच सच बता दे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। चल बता, मुंह खोल अपना। बताता हूँ। ये लो एडवांस में 25,000 सर। डॉक्यूमेंट्स लेकर जब आओगे तो बाकी के 75,000 दे दूंगा। बार के हिसाब का सारा पैसा हर महीने दे देते हैं बाबू साहब, बिना बिल को देखे हुए साइन कर देते हैं। मैनेजर यू आर ए वंडरफुल वंडरफुल पर्सन। सर बिल पे साइन कर दीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ कि ये गलत काम है, लेकिन 1,00,000 रुपए के लालच में मैंने ये काम कर दिया सर। साइन कर दीजिए। एक दिन सर होश में नहीं थे और मैंने उनका साइन करवा लिया था। मैं जानता हूँ ये गलत है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई, तुम्हें पैदा करने वाले तुम्हारे माँ बाप की गलती है। इसमें सीधी बात कहूँ तो तुम एक बेहुदा इंसान हो। चलो मारो इसे। नहीं, इसे मत मारो। ये सब मेरे शराब पीने की वजह से हुआ है। इसके हाथ से मार खाने से पहले भाग जाना यहाँ से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कहीं भी कहने को कहेंगे मैं कह दूंगा, जहाँ भी रहने को कहेंगे मैं चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं सर। मुझ में बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं है सर, और ना ही मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, पर एक बात तो अच्छे से जानता हूं, अपनी इज्जत खोने वाले बाबू सर और मेरी माँ। मेरे पिताजी ताड़ी पी कर मर गए थे, तब उन्हें जलाने के लिए माँ के पास पैसा नहीं था। लोग बहुत ही गंदी गंदी बातें मेरी माँ के बारे में कहते थे, ये मैंने अपने कानों से सुना है। मैं गवाह हूँ उन गंदी बातों का। मेरी माँ की बेइज्जती मेरे जिंदा रहते तो नहीं होनी चाहिए, और बहुत सालों के बाद मुझे अपनी माँ मिली है सर, मैं उसकी बेइज्जती नहीं देख सकता। पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बहुत ज्यादा। अब अगर और बेइज्जती हुई तो हम ऊपर वाले से सिर्फ यही कहेंगे कि अब और बेइज्जती मत दो, लेकिन ऊपर वाले तो नीचे नहीं आते, इसलिए उनको मैं यहाँ आपके रूप में बैठे देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि साक्षात वो ही ऊपर से नीचे आए हैं और यहाँ अदालत में आकर बैठ गए हैं। सर यही विनती है,
मैं और बेइज्जती नहीं चाहता, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं सर। और मैं आपसे ये विनती हाथ जोड़ कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं सर आपके सामने। हमारी और बेइज्जती, मत होने दीजिए सर। पावडा नाम की फिल्म को दोबारा रिलीज करने के लिए मिस्टर कुंदन ने सही मार्ग नहीं चुना। अदालत ये सच्चाई जान चुकी है और इसीलिए ये अदालत इस फिल्म से संबंधित जितने भी राइट्स हैं उन्हें बाबू जोसेफ की अनुमति के बिना किसी भी माध्यम से रिलीज करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला सुनाती है और इसलिए इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाती है। हेलो सर, सर सर, इस केस को लेकर आप मुझसे बहुत नाराज लगते हैं ना, लेकिन मैं एक बार सर से पर्सनल तौर पर बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। मैं फिल्म में आने से पहले ही जीत गया हूँ सर। मैंने फिल्म देखी है लेकिन उसे कैसे बनाना है ये मैं नहीं जानता, पर कुछ जानकारी लेकर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। सैंपल के लिए आपको एक सीन सुनाना चाहता हूँ और आपकी राय चाहता हूँ। इस वक्त अभी मूड में, लेकिन मैं सुनाने के मूड में हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। इस सीन में हम दिखा रहे हैं कि वो जो लड़की है ना वो क्या करेगी जानते हैं? वो इस तरह से पैर उठाकर एक लात जमाएगी। आज तुम्हें मालूम पड़ा ना कि जब पड़ती है तो उसका दर्द कैसा होता है? अरे तुमने तो इसे बेदम कर दिया। हाँ, ये एल्दो की दूसरी फिल्म का नाम होगा बुलसाई। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना है। माँ ने बताया कि शराब छोड़ दी है। माँ की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फैसला है। अलग होने के बाद भी तुमने मेरी मदद की, तुम्हारे जाने से ही मेरी माँ मुझे मिली, लेकिन तुम मेरे सर पर एक हांडी फोड़ कर गई थी। अगर मैंने वो कर्ज नहीं चुकाया तो फिर मैं ये कैसे साबित करूंगा कि मैं मर्द हूँ? अरे तुम अभी तक घर नहीं गए? अभी तक खत्म नहीं हुआ, जो भी बताना है जल्दी बता दो। बेवड़ा कहीं क्या, एक बात जान लो, वो जो मार थी ना ऐसी वैसी नहीं थी, सिर्फ उस एक मार की वजह से उसे एडमिट होना पड़ा। तुमने अपनी मर्दानगी दिखा दी, अभी तुम ठीक से रहो समझे? टेंशन की कोई बात नहीं है, सिनी प्रेग्नेंट है। मेरी मार कैसे ली, समझ गई ना? बाबू सर चलिए गाड़ी में बैठिए। पर जाना कहाँ? जैनूम जाना है, चलिए चुपचाप गाड़ी में बैठिए। अरे अभी तक दिखाई नहीं दी दीदी, पत्थर मारने वाले बाबू सर नहीं है, इंग्लिश में मुझे बात करनी नहीं आती, लेकिन इतने दिन से वो आदमी आपके घर के सामने आता है तो समझो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। थू, कोर्ट में आपने बाबू सर की बात सुनी है क्या? दीदी इस तरह से आपका जिद करना ठीक नहीं है, शराब की एक बूंद पिए बिना बेचारे गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर आप में जरा भी इंसानियत है तो दरवाजा खोलकर बाहर आइए, ये जो बाबू सर है ना इनके लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। नहीं आओगी, कभी नहीं आओगी, ये मैं जानता हूँ। सीना चीर कर भी अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो नहीं समझेगी आप, आपसे बात करने से अब कोई फायदा नहीं है। चलिए सर निकलते हैं। ये बताइए आप हैं कौन, ना दिखने वाली परी हैं आप, कमरे में बंद होकर खटिया पे पड़ी रहो चुपचाप। अब आपको आवाज देने के लिए ये नहीं आएंगे बल्कि आएंगे डॉगी। आप घर में कैद होकर अकेली पड़ी रहिए तभी आपको मालूम पड़ेगा बाबू सर की कीमत क्या है।
सालों से मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आई। इतने सालों से सिर्फ मिलने के लिए कहा, लेकिन कभी साथ आने के लिए कहा क्या तुमने? अभी बातें करने और जवाब देने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें साथ ले जाने आया हूं। सर, इतने दिनों तक अपने दिल में छुपाया प्यार एकदम से मत दिखा दीजिए। यहाँ पर आईना लगा सब कुछ दिखता है। ठीक है, तुम बस गाड़ी आगे बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ाता हूँ।